देश की जनता 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है। किसी को खाना नहीं मिलता तो कोई आधे पेट सोने को मजबूर है, क्योंकि उनकी रोटी का पैसा अधिकारियों की तिजोरी में बंद रहता है। कोई करोड़ों तो कोई अरबों डकार रहा है। विश्वास नहीं होता तो बिहार के अधिकारी की तिजोरी में बंद काली कमाई को देख लीजिए। देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इलाज के बिना मरने की मजबूरी है, जनता का पेट खाली है, जेब खाली है, लेकिन दूसरी तरफ देश को चलाने वाले नेताओं अधिकारियों की तिजोरी में कितना माल है इसका कोई ठिकाना ही नहीं। क्या नेता क्या अधिकारी, सबके पास इतनी काली कमाई है कि रखने के लिए घर और तिजोरियां कम पड़ते जा रहे हैं। हर हफ्ते देश में एक न एक ऐसे अधिकारी या नेता का पर्दाफाश होता है जिसके घर में पैसा ही पैसा पड़ा रहता है। पैसे देख लगता है कि नेता और अधिकारी पैसा खाते हैं, पैसा ओढ़ते हैं, और फिर उनके पास पैसा नहीं खत्म होता। शनिवार को भी ईडी ने बिहार के एक इंजीनियर के ठिकानों पर छापा मारा तो हर कोई हैरान रह गया। इंजीनियर के पास से इतना पैसा निकला कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पैसों से भर गए। जब ईडी के अधिकारी पैसा नहीं गिन पाए तो मशीन मंगाई और पैसे की गिनती पूरी हो पाई। दरअसल शनिवार को किशनगंज जिले में ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय के किशनगंज और पटना के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। रेड में संजय राय के ठिकानों से लगभग 3 करोड़ रुपए की काली कमाई बरामद हुई। ईडी के मुताबिक इंजीनियर संजय राय का पैसा उनके जूनियर इंजीनियर और कैशियर के ठिकानों पर होल्ड था, जिसकी जानकारी मिलने पर रेड पड़ी और काली कमाई का अंबार सबके सामने आ गया। पैसा ही नहीं, सोना चांदी आभूषण और ज़मीनों के कागजात बरामद हुए, जिनकी कीमत करोड़ों की निकली। बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय काली कमाई का बादशाह है। उसकी कमाई के चर्चे पूरे बिहार में हैं, जिसकी सूचना पर ईडी ने संजय राय को निशाने पर लिया और उसकी काली कमाई का भंडाफोड़ कर दिया। इससे पहले बिहार के बगल के राज्य झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंगर के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने पर हड़कंप मच गया था। ठीक वैसे ही संजय राय के ऊपर छापेमारी से बिहार में हड़कंप मच गया है। संजय राय की काली कमाई में किस बड़े आदमी की हिस्सेदारी है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि बिना किसी बड़े सियासी किरदार की मदद के इतने पैसों का खेल करना आसान नहीं। बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद आरजेडी के तमाम नेताओं पर ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन अभी तक किसी नेता के घर से पैसों का जखीरा बरामद नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियर संजय कुमार के पैसों का ढेर सबके सामने आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।